अपने कंठ में विष धारण करके दुनिया को अमृत प्रदान करने वाले उस प्रलयंकर उस शंकर को प्रणाम करता हूँ। मैं इस कविता की अनंत अक्षौणी सेना का सबसे छोटा सिपाही आप सभी को प्रणाम करता हूँ। स्वागत है भाई। चार पंक्तियों से मैं आपके साथ जुड़ता हूँ सुने के। आग नफरत का लगाते जाइए, आग नफरत का लगाते जाइए, प्रेम का दीपक जलाते जाइए। सो रहे हैं अब तलक जो इस जगह, सो रहे हैं जो सदन में अब तलक, कुर्सियां उनकी हिलाते जाइए। क्या कहने भाई। कुर्सियां उनकी हिलाते जाइए। जैसा कि आप सबने कुछ दिन पहले देखा कि चंद्रयान हमारा चांद तक पहुंच गया, मैंने उसमें जो विशेष देखा मैं आपके सामने चार पंक्तियों में रखता हूं सुने के। हम वही जो सूर्य खा कर आ गए, हम वही जो सूर्य खा कर आ गए, बांध सागर पे बना कर आ गए। चांद छोड़ो हम शिवम के शीश पर, चांद छोड़ो हम शिवम के शीश पर, प्यार से मस्तक झुका कर आ गए, प्यार से मस्तक झुका कर आ गए। एक गजल के मैं चंदसार आपको सुनाता हूं सुने के। कैसे समय के साथ लड़ा है ये आदमी, कैसे समय के साथ लड़ा है ये आदमी, बारिश में भींग करके जला है ये आदमी, हंस करके टाल दे रहा है जिंदगी के दुख। शेर सुने के। हंस करके टाल दे रहा है जिंदगी के दुख, जाने कहां ही बंद पड़ा है ये आदमी। और शेर देखे के शीशे को तोड़ने चले हैं सब के सब मगर, शीशे को तोड़ने चले हैं सब के सब मगर, पत्थर को तोड़ने में लगा है ये आदमी। शीशे को तोड़ने चले हैं सब के सब मगर, पत्थर को तोड़ने में लगा है ये आदमी। दुनिया से जीत करके भला क्या करेगा जब, दुनिया से जीत करके भला क्या करेगा जब, अपनों से जंग हार चुका है ये आदमी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आखिर आखिर शेर देखे और वहां तक पहुंचे कि दुनिया से जीत करके भला क्या करेगा जब, अपनों से जंग हार चुका है ये आदमी। भाई की जूतियां उठा के सिर पर रख लिया, भाई की जूतियां उठा के सिर पर रख लिया, ये आदमी नहीं है खुदा है ये आदमी। बाबा बहुत शुक्रिया। एक गजल मैं आपको और सुनाता हूं सुने के। उसकी निगाहें यार से आगे निकल गए, काफी नए लोग बैठे हैं, शेर सुने। स्वागत। उसकी निगाहें यार से आगे निकल गए, यानी कि शानदार से आगे निकल गए। बढ़िया। यानी कि शानदार से आगे निकल गए, दोनों के बीच इश्क में दीवार बन गई, दोनों के बीच इश्क में दीवार बन गई, दोनों मगर दीवार से आगे निकल गए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। दोनों के बीच इश्क में दीवार बन गई, दोनों मगर दीवार से आगे निकल गए। हम भी तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं रहे, हम भी तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं रहे, तुम भी हमारे प्यार से आगे निकल गए। बहुत बढ़िया भाई, सत्यम। बहुत शुक्रिया। और ये शेर देखें कि बहती नदी के साथ मेरी नाव बह गई, बहती नदी के साथ, बहती नदी के साथ मेरी नाव बह गई, और हम नदी के धार से आगे निकल गए।
बहुत शुक्रिया। आप सब तालियां जोरदार बजाकर बजा रहे हो। तो बहती नदी के साथ मेरी नाव बह गई और हम नदी के धार से आगे निकल गए। और शेर देखें आप तक पहुंचे तो जोरदार तालियां बजाएं कि जन्नत हमारे हाथ में देने लगा खुदा। जन्नत हमारे हाथ में देने लगा खुदा, सो हम खुदा के वार से आगे निकल गए। वाह वाह, क्या कहने भाई। बहुत शुक्रिया। एक गजल में और सुना के फिर आपको एक गीत। एक गीत है, गीत की भूमिका ये है कि आप अपने जो सबसे करीबी आदमी हैं उसके वियोग में वो कहीं चला गया हो या कहीं भी आपसे जुदा हो गया हो, उसके विपरीत उसके याद में आप एक पत्र या फिर किसी तरीके से संदेश दे रहे हैं, उसी से है सुने के। मेघ तुम सावन से कहना क्यों है वो झल हुआ। बढ़िया। मेघ तुम सावन से कहना क्यों है वो झल हुआ, उसके बिन उसका ये आंगन, उसके बिन उसका ये आंगन प्यास से पागल हुआ। मेघ तुम सावन से कहना क्यों है वो झल हुआ। बहुत बढ़िया। पहला बंद देखेंगे। नीर आँखों में भरे थे और मन में वेदना, नीर आँखों में भरे थे और मन में वेदना, कप कपी थी लब पे उसके खो गई थी चेतना। आप सब सुने होंगे कि शंकर हमेशा समाधि में चले जाते हैं, मगर एक समय ऐसा भी आया था कि जब सती अपने आप को समिधा के रूप में अगर समाहित कर ली थी जल के यज्ञ कुंड में, तो उसके बाद का जो वियोग है, उसके बाद की जो तड़पन है, आप शंकर को अभी कभी कथा सुने होंगे तो महसूस किए होंगे। मैं इसी को जोड़ के कविता बनाया हूँ सुने के। नीर आंखों में भरे थे और मन में वेदना, कप कपी थी लब पे उसके खो गई थी चेतना, शोक ऐसा था भरा के वो बहुत मजबूर हो, शोक ऐसा था भरा के वो बहुत मजबूर हो, देख कर के लग रहा था शिव सती से दूर हो, शिव सती से दूर हो, एक नया तुम रूप देखो प्रीत का संसार में, एक नया तुम रूप देखो प्रीत का संसार में, था बना चांदी से जो सोना वो अब पीतल हुआ। मेघ तुम सावन से कहना क्यों है वो झल हुआ। बहुत बढ़िया। दूसरा बंद देखेंगे। वेदना की बाढ़ आई नाव सुख की बह गई, वेदना की बाढ़ आई नाव सुख की बह गई, देख उसको लग रहा जैसे इमारत ढह गई, एक चिता से तेज तप थी उसके कोमल देह में। एक मिनट। थोड़ा दूर से सुने। वेदना की बाढ़ आई नाव सुख की बह गई, देख उसको लग रहा जैसे इमारत ढह गई, एक चिता से तेज तप थी उसके कोमल देह में,
किंतु सब कुछ सह गया वो मुस्कुरा करने हमें, मुस्कुरा करने हमें भाल का कुमकुम तुम्हारा बस तुम्हारे वास्ते, भाल का कुमकुम तुम्हारा बस तुम्हारे वास्ते, आंसुओं के गोद में जाकर के वो काजल हुआ, मेघ तुम सावन से कहना क्यों है वो ओझल हुआ। क्या कहने आखिरी बंद है, आखिरी बंद आप सब मुखर होकर सुने, क्योंकि आप सब मैं देख रहा हूँ किसी न किसी बड़े पद पे हैं। आपको ये महसूस होता होगा कि आप इतने बड़े पद पे आ गए हैं या अपनी उम्र के और आगे करीब आगे बढ़ चुके हैं, आपको बचपन याद आता होगा, जैसे ठीक वैसे ही जैसे कन्हैया जब कन्हैया दे तो हाथ में बांसुरी थी, राधा थी, मगर जब जैसे जैसे बड़े होते गए, कृष्ण होते गए, सुदर्शन आ गया, सुदर्शन आते ही हाथ से बांसुरी छूट गई। आप एक कृष्ण के रूप लेके ये सोचें कि कृष्ण कितना महसूस करते होंगे कि आज भी अगर हाथ में बांसुरी होती तो मैं इस जगत में कितना कल्याण और कितना प्रेम से रहता, लेकिन हाथ में सुदर्शन आते ही महाभारत जैसे युद्ध और भी न जाने कितने, ये आप सब भी समझते होंगे क्योंकि आप सब खुद उस जगह पे पहुंच गए हैं, लेकिन बचपन याद आता होगा। मैं आखिरी बंद सुना रहा हूँ, आप सब मुखर होकर सुने। जिंदगी तड़पा रही है प्यास से सम्राट को, जिंदगी तड़पा रही है प्यास से सम्राट को, जानवी अब बह चलो तुम चूम लो इस घाट को, यामिनी को दूर कर दो और उजियारा करो, यामिनी को दूर कर दो और उजियारा करो, बांसुरी फिर से चलो श्री कृष्ण को कान्हा करो, कृष्ण को कान्हा करो। बहुत शुक्रिया। ओ सजन के प्रीत तुम भी जाके देखो हाल वो, ओ सजन के प्रीत तुम भी जाके देखो हाल वो, प्रेम में पागल तुम्हारा, प्रेम में पागल तुम्हारा और भी पागल हुआ, मेघ तुम सावन से कहना क्यों है वो झल हुआ, क्यों है वो झल हुआ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।